subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel. और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी बंद हुआ है 39,077 पे, लगभग एक 135 पॉइंट गेन के साथ। तो शुरू करते हैं एनालिसिस विद अ बिगर चार्ट। तो मंथली चार्ट पे देखोगे, इस महीने के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं 4% अप। ऑलरेडी हम 1500 पॉइंट की रैली देख चुके हैं दो हफ्तों में। लास्ट मंथ हमने लगभग 12.5% की रैली देखी थी, 4142 पॉइंट। तो लगभग 4200 पॉइंट का गेन हमने लास्ट मंथ देखा था, और उसी गेन को फॉलो अप बाइंग जो है तो सपोर्ट कर रही है, और हम जो है तो धीरे धीरे ऊपर के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ जो है तो निफ्टी जो बढ़ रहा है, यहाँ आपको टारगेट दिखाई देंगे इसके लगभग 39,800 से लेकर 40,400 के टारगेट आप एक लॉन्गर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ डिप्स आ सकते हैं, तो डिप्स में आपको बाइंग की सोचनी चाहिए। यहाँ मेजर सपोर्ट जोन 35,500 के अराउंड है, तो अगर डिप्स आता है तो एक डीपर या फिर शार्प डिप रहेगा, मगर 35,500 के अराउंड अगर मार्केट मिलता है तो आपको बिल्कुल बाइंग की सोचनी चाहिए। बीच बीच में यहाँ शॉर्टिंग नहीं करना है, शॉर्ट जो करेंगे हम जो इंट्राडे मोमेंटम रहता है उसको ही कैचअप करने की कोशिश करेंगे। अगर हम पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो मोस्टली आई विल प्रीफर लॉन्ग साइड, और मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में या फिर आने वाले महीनों में हमें जो है तो 40 प्लस लेवल जो है तो बैंक निफ्टी दिखा सकता है। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे देखोगे, इस हफ्ते हम 3% गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 1100 पॉइंट प्लस के गेन बैंक निफ्टी दिखा चुका है। लास्ट हफ्ते हमने 400 पॉइंट की रैली देखी थी, लगभग 1% गेन के साथ बंद हुए थे, और ये चौथा हफ्ता है बैंक निफ्टी के लिए गेन के साथ बंद होने में। यहाँ जो है तो मीडियम टर्म टारगेट अचीव हो चुका है जो 39,050 का था, अभी जो नेक्स्ट टारगेट है वो 40,400 का यहाँ बचा हुआ है। तो यहाँ अगर डिप्स आता है या करेक्शन आता है तो आपको बाइंग की सोचनी चाहिए, और यहाँ जो टारगेट रहेगा उसका वो 40,400 के टारगेट आप बैंक निफ्टी में मीडियम टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ जो सपोर्ट जोन है वो है, पहला जो सपोर्ट जोन है वो 37,000 के अराउंड है, दूसरा 36,200, और उसके बाद में 35,000 फाइनल जो सपोर्ट जोन है और मेजर सपोर्ट जोन 35,500 के अराउंड है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि 39,50 का जो भी टारगेट था वो भी अचीव हो चुका है। 37,950 का टारगेट अचीव करने के बाद लगभग 4 दिनों में ये भी टारगेट जो है तो बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया है, और यहाँ जो है तो अभी हम जो बढ़ रहे हैं वो 40,400 से लेकर 40,850 के टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको और एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी जो इसको लेकर जाएगी 40,400 से लेकर 40,850 के लेवल की तरफ। अगर ये फेल होता है तो आपको जो है तो थोड़ा सा करेक्शन और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट निचले लेवल पे आ सकता है। जो रिट्रेसमेंट आएगा उसके जो टारगेट रहेगा 39,950, और उसके बाद में जो है तो 37,000 तक भी रिट्रेसमेंट आ सकता है अगर डीपर प्रॉफिट बुकिंग आती है किसी कारणवश। करंटली मोमेंटम स्ट्रांग है तो मोमेंटम के साथ जाना है। जो 39,000 के ऊपर जब तक है आप तब तक लॉन्ग का जो व्यू है वो बरकरार रखें, आपको जो है तो अच्छे खासे टारगेट बैंक निफ्टी जो है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ जो टारगेट रहेंगे 40,400 से लेकर 40,850 के टारगेट 39,000 के ऊपर जो है तो आपको लॉन्ग व्यू रखना है, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। शॉर्ट करना है तो हम इंट्राडे जो करेक्शन आते हैं या फिर इंट्राडे मूवमेंट बनता है उसमें ही करेंगे, मोस्टली आई विल प्रीफर लॉन्ग साइड। अभी देखते हैं ऑप्शन के लिए। तो ऑप्शन के लिए 39,000 के ऊपर जो है तो आपको फोकस करना चाहिए 38,500 का जो कॉल ऑप्शन है उस पर, उसका जो टारगेट रहेगा आपको उसमें जो है तो लगभग 1300 से 1400 पॉइंट जो है तो मिल सकते हैं अगर बैंक निफ्टी जो है तो 40,400 के लेवल पे जाता है। तो करंट लेवल से वो लेवल आता है लगभग 1300 से 1400 पॉइंट ऊपर, तो उस ऑप्शन में आपको जो है तो लगभग हो सकता है कि वो ऑप्शन लगभग 3 गुना हो जाए, और अगर 40,800 के लेवल टच करता है आने वाले हफ्तों में तो आपको जो है तो उस ऑप्शन में लगभग 1500 से 1600 पॉइंट मिल सकते हैं। तो फ्यूचर के जैसे गेंस उस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। तो आई विल फोकस ऑन इन द मनी कॉल ऑप्शन, जो 38,500 का कॉल ऑप्शन है उस पर फोकस करेंगे। वीकली ऑप्शन पे भी फोकस कर सकते हो या फिर मंथली पे भी फोकस कर सकते हो। मंथली पे आपको जो है
तो टाइम वैल्यू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वीकली ऑप्शन में जो है तो टाइम वैल्यू जो है तो वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो उस तरह से उसको एडजस्ट करना होगा आपको। बाकी जो मंथली ऑप्शन है उसमें आपको अच्छे खासे गेन देखने को मिल सकते हैं अगर आप इन द मनी कॉल ऑप्शन पे फोकस करते हो तो। आपको फ्यूचर के जैसे रिटर्न जो है तो बैंक निफ्टी ऑप्शन भी दे सकता है। तो यहाँ लॉन्ग साइड पे रहना है, 39,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है टारगेट रहेंगे 40,400 40,850 शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। वीकली चार्ट पे भी देखा हमने हमारा जो मीडियम टर्म टारगेट था वो अचीव हो चुका है। अभी नेक्स्ट टारगेट जो है तो 40,400 350 400 के अराउंड है, और मंथली चार्ट पे जो है तो आपको 39,800 उसके बाद में 40,400 के टारगेट बैंक निफ्टी आने वाले महीनों में देता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि हम जो है तो ऑल टाइम हाई जो था 42,000 के ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकते हैं इस साल के अंत तक। तो जो है तो 43,000 और हो सकता है कि इवन 47,000 के भी टारगेट जो है तो बैंक निफ्टी दिखा सकता है। यह क्लियरली जो मोमेंटम है और जो शिफ्ट है वो बुलिश साइड पे है। तो यह आपको अभी इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर है उनके लिए सलाह है कि बाइंग के मौके ढूंढने हैं जो अच्छे खासे करेक्शन हो चुका है जिन स्टॉक में, या फिर जो स्टॉक अभी भी अच्छे खासे हिस्टोरिकल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं उनमें आपको एक्युमुलेशन करना है। आपको जो है तो लॉन्गर टर्म में अच्छे खासे गेन मार्केट जो है तो रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। सो आई होप सो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉर्ट कमोड फ्यूचर और ऑप्शन के कॉल चाहिए तो आप जो है तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।